दिस इज दीपाली फ्रॉम गोपीनाथ क्लासेस स्टूडेंट एज हम अपना से थर्ड चैप्टर कर रहे हैं अंडरस्टैंडिंग द क्वाड्रिलेटरल्स और एक्सरसाइज 3.1 एंड 2 हमने कंप्लीट कर ली और एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको काइंड ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स तो आपको पता ही है मैंने आपको समझाया था इंट्रोडक्शन वीडियो में लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ कि क्वाड्रिलेटरल्स की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं हर क्वाड्रिलेटर की मतलब जो आपके एक्सरसाइज के रिलेटेड हैं ठीक है तो काइंड ऑफ क्वाड्रिलेटर देयर आर 3 काइंड ऑफ क्वाड्रिलेटर जो आपने आपके सिलेबस में है आपने अभी जो पढ़नी है सबसे पहली है ट्रेपीजियम सबसे पहले आपने पढ़ना है ट्रेपीजियम देखिए ट्रेपीजियम क्या होता है ट्रेपीजियम इस शेप में होता है जिसकी ये वाली साइड इसके पैरेलल है लेकिन ये वाली साइड और ये वाली साइड ये पैरेलल नहीं है क्लियर मतलब वन ऑफ द पेयर ऑफ द ट्रेपीजियम इज पैरेलल और जो एंगल्स हैं वो भी इक्वल नहीं होते हैं क्लियर एंगल्स आर नॉट इक्वल वन पेयर इज पैरेलल क्लियर तो ये है हमारा ट्रेपीजियम ट्रेपीजियम की फोर साइड्स होती हैं फाइव साइड्स वाला ट्रेपीजियम नहीं होता है फोर साइड्स होती हैं ट्रेपीजियम की क्लियर और इसके ऑब्वियसली डायगनल्स भी होते हैं ऑब्वियसली ये भी इक्वल नहीं होते हैं ठीक है अब सेकंड जो काइंड है हमारे क्वाड्रिलेटर की सेकंड काइंड है हमारी काइट काइट कैसे होती है जैसे आप नॉर्मल जो काइट आप लोग उड़ाते हैं इसी शेप में होती है दो साइड्स ये वाली एंड नीचे वाली दो साइड्स थोड़ी सी उससे बड़ी क्लियर तो ये है हमारी काइट और इसकी जो ये वाली लेंथ है वो इस साइड के इक्वल है और जो ये वाली है वो इसके इक्वल है और इसको हम किसी भी तरह से नाम दे सकते हैं ए बी सी डी किसी भी तरह से दैट डिपेंड्स अपॉन यू क्लियर काइट की चार ही साइड होती है पांच साइड वाली काइट नहीं होती एंड दे आर ऑब्वियसली नॉट पैरेलल ये पैरेलल नहीं है क्लियर और इनके कोई भी एग्जैक्टली काइट की शेप में ही होती है जो आप लोग काइट यूज करते हैं और एंगल्स आर ऑल्सो नॉट इक्वल ठीक है साइड्स आर इक्वल एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल बिकॉज साथ लगती है ये वाली साइड इसके सो एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल बट एंगल्स आर नॉट इक्वल क्लियर एंड ऑब्वियस इसके भी डायगनल होते हैं सो ये भी इक्वल नहीं होते क्लियर तो ये थी हमारी सेकेंड क्वाड्रिलेटर की टाइप अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट क्वाड्रिलेटर की टाइप विच इज वेरी इंपॉर्टेंट पैरेललोग्राम पैरेललोग्राम क्लियर अब पैरेललोग्राम क्या होता है मैं आपको सिंपल सा बताती हूँ इसके नाम से रिलेटेड है जिसकी जो साइड्स हैं वो आपस में पैरेलल होते हैं जैसे ये साइड इसके पैरेलल है आपको पता है पैरेलल का मतलब क्या होता है जो पैरेलल है मतलब एक दूसरे के साथ कंसेक्टिव चलती हैं जो कि जाके कभी भी टकराएंगी नहीं किसी भी पॉइंट पे कट नहीं करेंगी मीट नहीं करेंगी ठीक है तो ये वाली लाइन इसके पैरेलल है एंड दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन क्लियर तो दिस इज अवर पैरेलोग्राम कि इनकी जो साइड्स है वो पैरेलल है हम इसको ऐसे लिखेंगे जैसे ये ए है बी है सी है और डी तो हम लिखेंगे ए बी जिस किसके पैरेलल है सी डी के और ए डी किसके पैरेलल है बी सी के क्लियर अब पैरेललोग्राम ट्रेपीजियम में क्या था हमारी जो दूसरी साइड थी बाहर वाली वो पैरेलल नहीं थी तो वो पैरेललोग्राम नहीं है दिस इज पैरेललोग्राम अब पैरेललोग्राम की भी आगे बहुत सारी फर्दर टाइप्स हैं अब इसके जो एंगल्स हैं और इसके जो एंगल्स हैं अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं जैसे ये वाला एंगल है वो इस एंगल के इक्वल होगा और ये वाला एंगल जो है वो इस एंगल के इक्वल होगा क्लियर और इस पे भी डायगनल्स होते हैं और ये एकदम से बाइसेक्ट करते हैं मतलब कि ये 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं या एक बाइसेक्टर होता है परपेंडिकुलर होते हैं तो बाइसेक्टर में क्या होता है कि दिस इज द लाइन और ये इस पे बाइसेक्टर है तो इसने इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड किया और इसने इसको भी इक्वल पार्ट में डिवाइड किया तो यहाँ पे जो डायगनल्स है उनका काम बाइसेक्टर का है वो इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं एडजेसेंट मैंने आपको बता दिया जैसे कि ये साइड है ये इसके साथ है तो दिस बोथ आर एडजेसेंट ए डी एंड डी सी आर एडजेसेंट और डी सी बी सी के एडजेसेंट और ए बी
बीसी के एडजेसेंट है। क्लियर। अब पैरेललोग्राम का भी आगे तीन टाइप्स हैं जो आपके एक्सरसाइज 3.4 में पढ़ोगे, विच इज नंबर वन इज स्क्वायर। स्क्वायर क्या है, सबको पता है स्क्वायर क्या है, जिसकी की चारों साइड आपस में इक्वल है, साइड्स आर इक्वल, नंबर वन। नंबर टू, साइड्स आर पैरेलल, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। एंड नंबर सी, एंगल्स आर इक्वल, इसके सभी के सभी एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ऑल एंगल्स आर इक्वल। क्लियर, ये हो गया स्क्वायर। और सभी एंगल्स अगर इक्वल होते हैं तो इसमें सभी एंगल्स किसके इक्वल होते हैं, 90 डिग्री के इक्वल होते हैं, बिल्कुल, क्योंकि स्क्वायर हमेशा स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, स्ट्रेट एंगल बनाते हैं। क्लियर। और इसके जो डायगनल्स हैं वो भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्लियर, डायगनल्स भी आपस में इक्वल होते हैं, डायगनल्स आर इक्वल। क्लियर, तो ये है हमारा स्क्वायर। नेक्स्ट है पैरेललोग्राम की ही जो टाइप है, नेक्स्ट टाइप है हमारी रिक्टेंगल। अब रिक्टेंगल हमने जूनियर क्लासेस में पढ़ा है कि क्या है, दिस इज रिक्टेंगल, ये वाली साइड इसके पैरेलल है और ये वाली साइड इसके पैरेलल है, तो सबसे फर्स्ट एक दैट अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। नंबर टू, ये साइड इसके इक्वल है और ये वाली साइड इसके इक्वल है, सो अपोजिट साइड्स आर इक्वल। और जो इसका एंगल्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, सो एंगल्स आर इक्वल, ऑब्वियसली 90 डिग्री के होते हैं, सो एंगल्स आर इक्वल। क्लियर, ये रिक्टेंगल की प्रॉपर्टी हो गई। इसके भी डायगनल्स होते हैं जो कि इक्वल नहीं हो। क्लियर, सो दिस इज योर रिक्टेंगल। आप लिख सकते हैं डायगनल्स आर नॉट इक्वल, डायगनल्स आर नॉट इक्वल। ठीक है, ये होगी हमारी थर्ड टाइप, सेकंड टाइप रिक्टेंगल, जो कि पैरेललोग्राम के जो आपने एक्सरसाइज में पढ़नी है। थर्ड है हमारा रोम्बस। रोम्बस इज एग्जैक्टली सिमिलर टू स्क्वायर। ये स्क्वायर जैसा ही है, लेकिन ये स्क्वायर जैसा ही है लेकिन इसमें कुछ वेरिएशंस है रोम्बस में। अब रोम्बस क्या है, दिस इज रोम्बस, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ठीक है, साइड इसकी पैरेलल हो गई। अब इसकी जो सारी साइड्स हैं वो भी इक्वल है, जैसे कि स्क्वायर में है, ऑल साइड्स आर इक्वल। एंड इसमें फर्क क्या है, मेजर डिफरेंस क्या है, ये तो बिल्कुल स्क्वायर जैसा है, बट जो एंगल्स हैं वो 90 डिग्री नहीं है। ठीक है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल बट दे आर नॉट ऑफ 90 डिग्री, सो एंगल्स आर नॉट 90 डिग्री। और जो इसके डायगनल्स हैं दे आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्लियर, सो डायगनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्लियर, यही थी टाइप्स क्वाड्रिलेटर्स की हमने कर ली, ट्रेपीजियम, काइट एंड पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम के आगे तीन टाइप्स है, स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड रोम्बस। और जो रेक्टेंगल है इसमें जो डायगनल्स है दे आर इक्वल, दे आर इक्वल, दिस इज बाय मिस्टेक, इसके जो डायगनल्स हैं वो इक्वल। क्लियर, सो नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करते हैं अपने एक्सरसाइज 3.3 से। सो लेट अस स्टार्ट द एक्सरसाइज 3.3 ऑफ चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग द क्वाड्रिलेटरल्स। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज गिवन अ पैरेललोग्राम ABCD, कंप्लीट ईच स्टेटमेंट अलॉन्ग विद द डेफिनेशन और प्रॉपर्टी यूज। सो हमें एक पैरेललोग्राम गिवन है जिसकी की साइड्स पैरेलल है, थोड़ी फिगर ऐसी सी आप समझ जाइए, दैट इट इज लाइक दिस। सो अपने को करना क्या है, हमें अपनी स्टेटमेंट्स को कंप्लीट करना है जो हमें दिया है, दैट AD किसके इक्वल है, ऑब्वियसली विद रीजन
एंगल डीसीबी। अब एंगल को ना हम हमेशा कभी भी सिंगल एंगल सी नहीं लिख सकते, नहीं। हमें मान लीजिए हमने ये एंगल दिखाना है, ये ए है, हमें ये एंगल दिखाना है, ठीक है। यहाँ पे डी है, सी है और बी है, अपने को ये एंगल दिखाना है, तो हम कैसे दिखाएंगे इसको? डी, और मेन एंगल दिखाना है ए, वो सेंटर में, दिस इज डी जो उसके साथ लगता है, एंड दिस इज बी, ये भी उसके साथ लग रहा है, ठीक है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बी, लेकिन सेंटर में ए रहेगा और बाद में डी, क्लियर। सो एंगल को हम हमेशा ऐसे लिखेंगे, कभी भी सीधा एंगल नहीं लिख देंगे, एंगल ए बी सी डी, नो, दैट वाज रॉन्ग, क्लियर। सो सबसे पहले हमारी स्टेटमेंट है ए डी। ए डी किसके इक्वल है? ये ए डी है, ये किसके इक्वल है? बी सी के। वाई? बिकॉज दे बोथ आर अपोजिट साइड, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, सो ए डी इज इक्वल टू बी सी। द रीजन इज दैट अपोजिट साइड, जो जो वहाँ छूट गया अभी क्लियर हो जाएगा आपको सारी चीज़ें, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, दिस इज पैरेलल का निशान एंड पैरेललोग्राम आर इक्वल, क्लियर। तो अपोजिट साइड जो है हमारे पैरेललोग्राम की इक्वल है। अब सेकंड है एंगल डी सी बी, मतलब डी सी बी, दिस एंगल सी, सेंटर में सी है तो दिस एंगल, कहता वो किसके इक्वल है? ऑब्वियसली डी सी बी किसके इक्वल होगा? इस ए के इक्वल होगा, बिकॉज हमने कहा था अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। सो ए है, सबसे पहले ए को लिखते हैं, सेंटर में एंगल का साइन, और ए के आगे क्या है? डी, और बाद में क्या है? बी। सो एंगल डी सी बी किसके इक्वल है? एंगल डी ए बी के। रीजन? बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, सो बिकॉज अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, क्लियर। अब है हमारा सी पार्ट, वेयर ओ सी। अब ओ सी किसके इक्वल है? दिस इज ओ सी, ठीक है। अब हमने कहा था कि जो डायगनल्स हैं, अगर एंगल्स अपोजिट इक्वल है तो जो इनके यहाँ से डायगनल्स हैं दे आर ऑल्सो इक्वल, सो ओ सी किसके इक्वल हो जाएगा? ओ ए के। रीजन? डायगनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, डायगनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। हमने एक इंट्रोडक्शन वीडियो में भी किया है कि दे आर बाइसेक्टर्स, सो ओ सी किसके इक्वल है? ओ ए के। लास्ट है हमारा, दिस इज रफ वर्क, आपको पता ही है, एम एम मतलब यहाँ पे है एम एंगल डी ए बी, मतलब डी ए बी मतलब ये सेंटर वाला एंगल ए, एंड एम एंगल सी डी ए मतलब दिस डी, इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो ये किसके इक्वल होगा? अब यहाँ पे जो एम है, व्हाट इज एम? तो यहाँ पे जो एम है इसका मतलब है मेजर, कि हमें मेजर करना है कि अगर डी ए बी की जो मेजरमेंट होगी, मान लीजिए ये 90 डिग्री है, और मेजरमेंट सी डी ए की मान लीजिए ये भी 90 डिग्री है, तो वो किसके इक्वल है? सो आपको बता दें दैट अगर ये वाला एंगल है और ये वाला एंगल है, ये दोनों एंगल्स को अगर ऐड करें तो वो हमेशा किसके इक्वल होगा? 180 डिग्री के। रीज़न? एडजेसेंट एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स होते हैं जो साथ लगते हैं, जैसे इसके साथ लगते तो ये एडजेसेंट हो गया, ये इसके साथ लगता है ये दोनों एडजेसेंट हो गए, इसके साथ लगते ये एडजेसेंट हो गए। सो एडजेसेंट एंगल्स इन पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, सो सप्लीमेंट्री मतलब 180 डिग्री के, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं 90 डिग्री और सप्लीमेंट्री होती है 180 डिग्री के, सो एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर वन ऑफ योर एक्सरसाइज 3.3। तो स्टूडेंट्स हमारा सेकेंड है क्वेश्चन नंबर टू, कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द अननोन एंगल एक्स वाई जेड। फाइव पार्ट्स हैं इसके, सो फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं। हमें फिगर गिवन है, पैरेललोग्राम गिवन है ए बी सी डी, हमें क्या करना है? एक्स वाई और जेड की वैल्यू निकालनी है, और एंगल बी अपने को गिवन है, एंगल बी इज इक्वल टू 100 डिग्री। सो लिख लेते हैं दैट, अब एंगल बी है तो ये सेंटर में रहेगा और बाहर क्या आ जाएगा? ए, और इधर क्या आ जाएगा? बिकॉज ए लगते हैं और सी साथ में लगते हैं, सो किसके इक्वल गिवन है? 100 डिग्री के इक्वल है। ये वाली जो फिगर है ना, इसके जो एंगल्स हैं हम उसको सिंपल ए बी सी डी भी लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि इसमें कोई लाइन नहीं है, कुछ नहीं है, कोई ट्राइंगल नहीं बन रहा, इजीली लिख सकते हैं। लेकिन जब फिगर्स में डायगनल्स बन जाए तब आप उसको सीधा सीधा नहीं लिख सकते हैं,
क्लियर। तो इसको आप चाहो तो इस फिगर में आप सीधे एंगल्स लिख सकते हैं, दैट एंगल बी इज इक्वल टू 100 डिग्री, सी इज इक्वल टू एक्स, डी इज इक्वल टू वाई। क्लियर। सो हमें बी गिवन है 100 डिग्री सेल्सियस, हमें सबसे पहले ये एक्स निकालना है। अब ये हमने रूल किया है दैट एडजेसेंट एंगल्स इन पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। अभी हमने ये रूल किया है कि जो एडजेसेंट एंगल्स है पैरेललोग्राम के वो सप्लीमेंट्री हैं। इसका मतलब कि जो एंगल बी है और एंगल सी, ये दोनों किसके इक्वल हो जाएंगे, 180 डिग्री के इक्वल। क्लियर। अब बी किसके इक्वल है, 100 डिग्री के, और सी किसके इक्वल है, एक्स के, और किसके इक्वल है, सारी इक्वेशन ये 180 डिग्री के। और यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री, सो एक्स इज इक्वल टू 80 डिग्री। अब एक्स की वैल्यू तो आ गई। अब एंगल एक्स जो है वो एंगल जेड के इक्वल है, रीजन दैट अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, सो एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल जेड जो कि किसके इक्वल है, 80 डिग्री के। रीजन लिख लिए, बिकॉज अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, सो यहां से हमारे पास जेड की वैल्यू क्या आ गई। क्लियर। अब रह गया एंगल वाई। अब एंगल वाई किसके इक्वल होगा, 100 डिग्री के इक्वल होगा, सो वाई इज इक्वल टू 100 डिग्री विच इज इक्वल टू एंगल बी। सेम यही रीजन दैट अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, सो हमारे पास एक्स वाई जेड की वैल्यूज आ गई, सो एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल जेड इज इक्वल टू 80 डिग्री कॉमा एंगल वाई इज इक्वल टू 100 डिग्री। सो दिस इज द पार्ट वन ऑफ क्वेश्चन नंबर टू। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर टू का सेकेंड पार्ट है, अपने को फिगर गिवन है, दिस इज द फिगर, दोबारा बना लेते हैं एक बार। ये दोनों साइड्स पैरेलल हैं और ये वाली साइड है और ये वाली साइड है। ये एंगल गिवन है 50 डिग्री, ये एंगल गिवन है वाई, ये गिवन है एक्स और ये है जेड, और हमें एक्स वाई और जेड की वैल्यू निकालनी है। सो दिस इज़ वेरी इजी। इस एंगल को हम नाम दे देते हैं वन, ठीक है, दैट वन इज इक्वल, वन प्लस एक्स किसके इक्वल हो जाएंगे, 180 डिग्री के। वाई, वही रीजन, बिकॉज एडजेसेंट एंगल्स इन अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, सो हमारा ये रीजन हो गया दैट वन प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, और वन किसके इक्वल है, 50 डिग्री के, और एक्स एज इट इज एंड दिस इज 180 डिग्री, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री, सो 180 डिग्री में से जब हमारा 50 डिग्री कट करेंगे हमारे पास बचेगा 150 डिग्री। अब एंगल एक्स और एंगल वाई आपस में इक्वल हो जाएंगे, वाई, वही रीजन, बिकॉज ऑफ अपोजिट साइड्स आर ऑफ पैरेललोग्राम आर, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, सो एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 130 डिग्री बिकॉज अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। क्लियर। अब रह गया एंगल जेड निकालना, हमने एक्स निकाल लिया, वाई निकाल लिया, अब रह गया हमारे पास एंगल जेड। अब एंगल जेड किसके इक्वल होगा, सो ध्यान से देखिएगा, एंगल एक्स किसके इक्वल है, एंगल जेड के, जो कि 130 डिग्री। अब रीजन क्या है इसका, इसका रीजन है बिकॉज दे आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये है दिस एंगल एंड दिस एंगल, दे बोथ आर इक्वल, एक ही लाइन पे, ये भी एक ही लाइन है, दिस एंगल एंड दिस एंगल, ये क्या हो गए हमारे पास, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। सो एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल जेड विच इज इक्वल टू 130 डिग्री बिकॉज ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। सो एक्स एंड वाई और जेड की वैल्यू आ गई, और तीनों ही हमारे पास क्या आए हैं, 130 डिग्री। सो दिस इज द पार्ट टू ऑफ योर क्वेश्चन नंबर टू।